पर इतना बड़ा खजाना है कि पूरा विश्व अगर सदियों तक लगा रहे फिर भी उस खजाने को खाली नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो हर देश चांद पर जाना चाहता है। अब भारत चांद पर पहुंच गया, क्या भारत उस खजाने को हासिल कर पाएगा? आखिर कौन सा ऐसा खजाना है चांद पर जिसे पाने के लिए विश्व का हर देश परेशान है? विश्व का हर देश चांद पर जाना चाहता है और कल भारत चांद पर पहुंच भी गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये देश चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है चांद पर जिसे पाने के लिए विश्व का हर देश लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाने के लिए परेशान है? तो आज हम आपको हर बात बताएंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 वर्षों में दुनिया ने लगभग 12 मून मिस देखे हैं, मतलब हर साल औसतन एक मिशन मून देखने को मिलता है, जो अपने आप में चंद्रमा में सुपर पावर देशों की दिलचस्पी को बयां करता है। बड़े बड़े देश वर्षों से यूं ही पानी की तरह पैसा बा रहे हैं। चांद पर पहुँचने का अर्थ कि खनिजों की कीमत पदार्थों वाली तिजोरी खोलना है। सवाल ये है कि क्या चांद पर ऐसे अनमोल तत्व हैं जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि अरबों में है? मिशन चंद्रयान 3 के तहत विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद रोवर भी अगले 14 दिनों तक यही पता लगाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल से दुनिया को बताएगा कि मून रेस में हिंदुस्तान की छलांग कितनी अहम है। लगभग 45 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर छिपी तिजोरी को लेकर कई बड़े दावे किए थे। अपोलो 17 मिशन के दौरान नासा ने बताया था कि चांद पर हीलियम, आर्गन, नियॉन जैसी गैसों की पतली परत मौजूद है। मतलब ये कि चांद पर हीलियम 3 के रूप में ऊर्जा का असीमित भंडार है। इसकी अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 के इस्तेमाल में रिएक्टिवेट कचरा नहीं पैदा होगा। इससे आने वाली कई सदियों तक पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा हीलियम 3 है। अनुमान है कि चांद पर कम से कम 1 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। उसमें से भी केवल 1/4 को पृथ्वी पर लाया जा सकता है, मतलब करीब 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी पर लाई जा सकती है। दावे के मुताबिक इससे अगली 5 शताब्दियों तक ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब $5 अरब यानी 41,300 करोड़ रुपए प्रति टन है। आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 40 टन हीलियम 3 से ऊर्जा खपत की वर्तमान दर पर अमेरिका को 1 साल तक बिजली सप्लाई की जा सकती है। हीलियम 3 के अलावा भी वैज्ञानिकों को कई ऐसे कीमती पदार्थों की तलाश है। कई वैज्ञानिकों का यह दावा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बने गड्ढों में 2 अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है, लिहाजा यहां का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। बेहद कम तापमान की वजह से यहां की मिट्टी में जमा चीजें लाखों वर्षों से एक जैसी हैं। इसके अलावा 25 सितंबर 2009 को इसरो ने चांद पर पानी होने की घोषणा भी की थी। अब भारत चांद पर पहुंच चुका है तो जाहिर सी बात है कि अन्य खोजों का पता लगाने में अहम भूमिका अदा करेगा। कुछ ऐसी तलाश जिसे दुनिया का हर देश जानना चाहता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ESK न्यूज़।